तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से फिजिक्स के अंदर लिक्विड का सिमुलेशन किया जाता है। रहेगी वीडियो पूरी बेसिक पे रहेगी, और जो भी है कि मतलब कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने ब्लेंडर के अंदर कोई भी लिक्विड का जो भी आप बनाना चाहते हैं बेसिक जो होता है वो आप करना शुरू कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जिसके अंदर आप पूरा समझ जाएंगे कि लिक्विड में क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्यों और कैसे है। तो वही सब देख के लोग घबरा जाते कि यार ये क्या है। और जो लिक्विड जो है वो सबसे हार्ड माना जाता है, क्योंकि उसको उसको बेक करने के लिए, उसको अलग से समझने के लिए, उसका पूरा प्ले करने के लिए जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो काफी ज्यादा टाइम लेता है, वक्त लेता है। तो जिससे जो वीडियो है वो जो आपका जो प्रोजेक्ट है, आप सोचते हैं कि यार ये तो लिक्विड है, ये तो हो चल ही नहीं रहा, सीपीयू हैंग हो जाएगा, ये वो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसी चीज को मैं आज आपके लिए आसान बनाने के लिए इस ट्यूटोरियल का मैंने इस्तेमाल किया है। तो जो भी है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ, कि जो लिक्विड है वो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है और अच्छे तरीके से हो जाता है अगर सही तरीके से किया जाए। और कुछ ऐसे इसके अंदर ऑप्शन होते हैं जो बिना किसी सोच समझ के आप उसे इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं, जिससे आपका जो सीपी होता है वो हैंग हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आप उन सब चीजों को समझ सकते हैं कि किससे किस चीज को क्या करने से क्या होता है। तो आपको अपने सीपीयू के अंदर लिक्विड का सिमुलेशन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ, इसको करूंगा मैं तो इससे क्या होगा, और इसको नहीं करूंगा तो इससे क्या होगा, और क्या क्या जरूरत है आपके प्रोजेक्ट में इसको यूज करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करोगे तो भी आपका फायदा है, यूज ना करोगे तो भी आपका फायदा है। तो इसी ट्यूटोरियल में आपको आज कुछ बेसिक बताने वाले हैं जिससे आपकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाएगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर जो मैंने आपको समझाया है वो सब मैं आपको बताता हूँ। वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी और जो है बस मैं अभी ऑडियो दे रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत वीडियो आगे पीछे हो सकती है। तो मैंने एक साथ अपना चीज को ऑन कर लिया है और चलिए चलते स्क्रीन की तरफ और समझते हैं किस तरीके से लिक्विड किया जाता है। सबसे पहले मैंने शिफ्ट ए करके एक सिलेंडर ले लिया है यहाँ पे, और टैप प्रेस करने के बाद में इसको जो है ऊपर से थोड़ा बड़ा करूंगा और नीचे से थोड़ा छोटा करूंगा, ताकि जो है हमारा जो सिलेंडर है वो एक ग्लास का जो वो है मॉडल उस तरीके से नजर आने लग जाए। तो ये मैंने नीचे वाले कुछ एजेस सिलेक्ट कर लिए हैं और इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा जी एक्सिस में, जी बोले तो जेड में, और इसको मैं पूरा नीचे वाले को फेस इसको पूरा सिलेक्ट करता हूं। और शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करने के बाद क्या होता है कि मतलब एक्स और वाई में ही दोनों ये एक्सट्रूड होगा, जेड में नहीं होगा शिफ्ट के साथ करने पे, ठीक है। अगर आप सिंगल कुछ प्रेस करते तो वो उसी में होता, अगर शिफ्ट के साथ किसी को प्रेस करते तो उसको छोड़ के वो बाकी दोनों एक्सिस पे वर्क करता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि नीचे से जो ग्लास का जो हल्का सा है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, और बाकी ऊपर का जो मैंने जो फेस है उसको सिलेक्ट करा और आई दरवाज करके इंट्रूड करके इसको मैंने इस तरीके से नीचे कर दिया। बाकी इसके बाद में इसको थोड़ा स्केल डाउन कर दिया ताकि ये जो फेस है ये ग्लास के अंदर हो जाए, ठीक है, और बाकी ग्लास के अंदर एक गड्ढा बन जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद मैंने इसे शिफ्ट ए करके शेड एज स्मूथ कर दिया ताकि जो हमारे ग्लास है वो काफी ज्यादा स्मूथ नजर आए, ठीक है। देन इसके बाद में अब यहाँ पे एक यूवी स्फीयर मैं ऐड करूंगा, और यूवी स्फीयर ऐड करने के बाद में ऑब्जेक्ट में आऊंगा ऊपर यहाँ पे, और क्विक इफेक्ट में आके जो क्विक लिक्विड का है वो क्लिक कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, क्विक से हमें ना एक क्यूब का डायरेक्ट डोमेन सेटिंग ना अपना क्यूब जल्दी मिल जाता है, बाकी आप क्यूब लेके वहां पे आके उसे कन्वर्ट टू डोमेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे जो प्ले किया है इसमें अभी जो पहले आया था ना ब्लू करके वो वाटर था, और बट मैंने इसकी ना पोजीशन चेंज करी तो वो हट गया। अब मैंने ये डोमेन में गया और इसका जो रेजुलेशन था उसको इंक्रीज कर दिया तो वो वाटर फिर से आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं या फिर स्केल करते हैं तो ये हट जाता है, बाकी इसके बाद आप डोमेन को सिलेक्ट करके हल्का सा रेजुलेशन एक दो पॉइंट भी आप अगर इंक्रीज करेंगे तो वो आपको जो वाटर है वो अपने आप आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए अभी था नहीं, मैंने हल्का सा रेजुलेशन डिवीजन बढ़ाया और वो जो है वाटर वो हमारा दिखाई देने लग गया। लिक्विड में कुछ ऐसा है कि जो हमारा जो लिक्विड है कई बार काफी तरीके से ना अच्छे से ना बिहेव नहीं कर पाता, बट हम उसे दो तीन बार अच्छे से प्ले करते हैं तो वो हो जाता है। अब ये जो ग्लास था इसके अंदर मैंने एक इफेक्टर का जो है वो लगा दिया, ताकि जो ये ग्लास है वो लिक्विड को इफेक्ट कर सके और अपने अंदर या फिर वो एक तरीके से एक रियल ग्लास तरीके से बन जाए, ताकि वो एक दूसरे में टकराए, वो आपको फ्लूड के अंदर आके इफेक्टर में ही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसका प्लेनर भी ऑन कर दिया ताकि ये अच्छे से जो है बिहेव कर सके।
और ये जो लिक्विड है ये अभी यहाँ पे यूवी स्फीयर में आप क्लिक करेंगे तो ये ज्योमेट्रिक आप इनफ्लो कर देंगे ना, तो वो क्या होगा कि एक गुब्बारे की तरह जो फटके जो पानी निकल रहा था वो नहीं निकल के डायरेक्ट उसमें से निकलने ही लग जाएगा। तो ये इनफ्लो करने के बाद होता है, और अगर आपका वैसे ही रहता नॉर्मल तो वो एक तरीके से फटके पानी जो जैसे निकलता है वैसे निकलता है, अगर आप इनफ्लो कर देते तो फिर उसके बाद वो पानी उसमें से निकलता ही रहता है। और उसकी कुछ सेटिंग है या इसमें लिक्विड डोमेन में, अगर आपके उसके जाके लाइफ टाइम कर सकते कि कब तक पानी निकले और कब तक नहीं निकले, ठीक है। बाकी अब जो है इसको मैं जो लिक्विड जो डोमेन है इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, और इसको जो यूवी स्फीयर है इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा ताकि जो पानी है वो डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरे और ग्लास के अंदर से वो काफी तेज गिरे और ऊपर जंप करके बाहर निकल जाए कुछ इस तरीके से। अभी जो है ये यूवी स्फीयर के अंदर से पानी निकल रहा और जो ग्लास में है वो पानी भरने के बाद ऊपर आ रहा है और फिर वहां से फिर आउट हो रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरीके से मैं करता हूँ, अभी ये गिर रहा है, ठीक है। देन अब इसके बाद में लिक्विड डोमेन जो हमारा ये है क्यूब, इसको मैं टैप प्रेस करके जो ऊपर का जो फेस है उसको पकड़ के जेड एक्सिस में इसे ऊपर कर देता हूँ। इसे जी भी बोलते हैं काफी लोग, क्योंकि ये जी बोला जाता है इसे, बट इसको तो हम नॉर्मली जेड बोलते हैं अल्फाबेट में, ठीक है। तो कोई भी जी और जेड बोले तो समझ जाना एक ही चीज है। बाकी मैंने इसका रेजुलेशन बढ़ाया क्योंकि वो हट गया था, वही मैंने बताया जैसे पोजिशन और स्केल हम चेंज करते तो वो बिहेव नहीं करता, फिर उसके बाद रेजुलेशन एक दो पॉइंट आगे पीछे करो वो अपना फिर ले लेता है। कुछ लोग यहीं अटक जाते कि यार तो बनी नहीं रहा, क्या फायदा है, तो बेकार है, लिक्विड हो ही नहीं रहा हमसे, कुछ ऐसा है। ये पहली बार आप करोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बट आप जैसे जैसे करते जाएंगे फिर आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। ये जो विस्कोसिटी है ना ये इस चीज को करती है कि जैसे आपको जो पानी होता है वो कितना गाढ़ा हो और कितना पतला हो। अगर आप जो पहले ये तो ऑफ रहता है, ठीक है, आप ये आप जो जैसे इसको प्ले करेंगे तो लिक्विड अपना अब जो वाटर है वो अपनी थिकनेस के हिसाब से अपना नॉर्मल निकलेगा, लेकिन जैसे आप इसको विस्कोसिटी को इनेबल करते हो और इसकी जो नॉर्मल जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो 50 रहती है, आपको उसको कम करने के बाद इसे मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है 0.010, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये कुछ शहद की तरह गाढ़ा हो चुका है, या फिर शहद कह लो या फिर सीरम कह लो, उस तरीके से ये जो लिक्विड है वो अपना जो थिकनेस है उसको बढ़ा सकती है ये, ठीक है। विस्कोसिटी का ये काम है, आपका जो बेसिक नीड है वो यहीं तक खत्म हो जाता है, क्योंकि जो अगर आप लिक्विड में अगर कुछ कर रहे हैं तो आप यही करोगे, शहद बनाओगे, सीरम बनाओगे, फेस क्रीम बनाओगे या फिर पानी बनाओगे। लिक्विड में आपको और क्या चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं, बाकी कलर वलर क्रिएटिन ये सब तो आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस लिक्विड में तो यही रहता है पानी गाढ़ा, मतलब ये सब तो आपको दिखाना होता है, बाकी पानी को किस तरीके से बिहेव करना ये मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसका जो है इसको बढ़ा के ना कुछ प्ले कराया तो ये देखिए कितनी मतलब धीरे गिर रहा है, क्योंकि ये शहद की तरह गिर रहा है, तो थोड़ा सा जेली टाइप कह लो या फिर शहद टाइप कह लो, इस तरीके से ये जो पानी है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी मैं अपने जो सिस्टम को है वो उसको EV2 साइकिल कर देता हूँ। ब्लेंडर के अंदर टू टाइम रेंडर होता है, एक ईवी होता है एक साइकिल होता है। साइकिल में आपको रियल टाइम रेंडर मिलता है और ईवी में आपको नॉर्मल मिलता है, जिसमें आपको ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगता क्योंकि उसमें नॉइस नहीं आती, ठीक है। आप जैसे EV2 साइकिल आएंगे उसके अंदर नॉइस भी आने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। और ये देखिए अभी जो वाटर है ये किस तरीके से ग्लास के ऊपर गिर रहा है, जैसे कि रियल में जैसे शहद गिरता है उस तरीके से ये बिहेव कर रहा है हमारा वाटर, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पे फिर दोबारा हटा देता हूँ, और जो इसकी जो विस्कोसिटी है वो डोमेन को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं फिजिक्स में आता हूँ, फिजिक्स का हमें यहाँ पे मिल रखा है, और मॉडिफायर के जस्ट पार्टिकल्स के नीचे ही फिजिक्स वाला टैब है, और फिर उसके बाद यहाँ पे विस्कोसिटी में मैंने इसको ऑफ कर लिया। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए वो पहले के मुताबिक कितनी ज्यादा तेज गिर रहा है, क्योंकि वो उसकी जो थिकनेस थी बिल्कुल एकदम वाटर लेवल पे आ गई है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है विस्कोसिटी आपकी वो थिकनेस को वो करती है, बताती है कि मतलब कि जितना आप ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा वो गाढ़ा होता चले जाएगा, और जितना ज्यादा अब बंद कर दोगे आप पूरा वापस वहीं पर आ जाओगे जितना वाटर का थिकनेस होती है, ठीक है। तो ये चीज थी इसके अंदर, आप विस्कोसिटी से अपना जो वाटर का जो बिहेव है वो इस तरीके से मतलब गाढ़ा और पतला कर सकते हैं अपने वाटर को। और इसमें बता दूं मैं जो अभी एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जो अगर आप रेंडर व्यू पोर्ट में आते, जैसे मैंने स्क्रीन को डबल कर ली थी है ना, इसमें आप में यहाँ पे लिक्विड डोमेन को सिलेक्ट करके मैश ऑन करेंगे ना तो आपका जो होगा आप रेंडर में भी ना देख सकते हैं, आपने जो अभी जो राइट साइड के जो विंडो में आपको जो डोमेन नजर आ रहा वो पूरा एकदम पानी पानी नजर आ रहा है, बट जैसे आप जीरो पे आओगे ना और मैश ऑन कर दोगे तो आपको डोमेन गायब रहेगा और बाकी जो जैसा लिक्विड जो जैसा बिहेव कर रहा वो आप नजर कर सकते हैं, अगर आपने मैश ऑन कर लिया, ठीक है।
और ये चीज अभी जो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ये लिक्विड डोमेन को मैंने सिलेक्ट करा और इसके जो लेफ्ट राइट टॉप और बस बॉटम को छोड़ के मैंने बाकी सबको ऑफ कर दिया, ताकि जो अब ये देखिए कि ये जो वाटर है ये किस तरीके से, मतलब ना जो डोमेन का जो क्यूब था, क्यूब के जो सारे बस नीचे वाले फेस को छोड़ के बाकी सारे फेस पे वो टकरा नहीं रहा और एकदम प्लेन नहीं कर रहा वाटर, है ना। तो अब ये जो वाटर है ये सामने आगे पीछे सारे फेसेस पे टकरा नहीं रहा क्योंकि मैंने उसको ऑफ कर दिया, बस डोमेन डोमेन जो नीचे का बॉटम बॉटम वाला जो फेस है उसको ऑन कर रखा है, इसलिए वो नीचे जमीन पे पानी बस लग रहा, बाकी साइड साइड में वो नहीं लग रहा, वो ऐसे नॉर्मल गिर जा रहा है, ठीक है। तो डोमेन की एक ये भी चीज थी कि मतलब कि ऊपर नीचे का आप बंद कर देते हैं तो अब बाकी वहां पे वो टकराएगा ही नहीं, बस वो चीज उसी के लिए कि मतलब कि जो लिक्विड डोमेन का है वो किससे इफेक्ट करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे ऑफ कर रखे हैं और यह बस बॉटम को ऑन कर रखा था, और अभी मैं एक चीज और करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे जो बस आपकी यही बेसिक नीड थी कि मतलब कि किस तरीके से होता है, और अभी मैं यहाँ पे आपको यूवी स्फीयर में एक ऐसी चीज करके दिखाऊंगा जिससे आपको जो वाटर है उसको आप बस ये क्या कर रहा है कि लिक्विड जो है वो ऊपर से और नीचे गिर रहा है, क्योंकि जो इसका जो इसके आप लिक्विड में सबसे नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे उसको ग्रेविटी वाला ऑप्शन मिलता है जो भी है, आप उसको ग्रेविटी को पूरा ऑफ कर देते हो ये फिर स्पेस जैसे होता है ना कि जीरो ग्रेविटी लेवल हो जाता है, वैसे वो फिर पानी अपने आप हिसाब से कहीं पे भी उड़ने लग जाता है, बट इसकी जो ग्रेविटी है वो डिफॉल्ट वन ही रहती है, तो जिससे वजह से ये पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। तो इसलिए जो लिक्विड है ये अपना आप नीचे आता है, बाकी आप अगर आपको नहीं चाहते ऐसा तो आप सबसे नीचे जाके प्रॉपर्टी में जो इसकी जो ग्रेविटी लेवल है उसको आप अगर जीरो कर देंगे तो फिर ये ग्रेविटी कुछ रहेगी नहीं ब्लेंडर के अंदर, फिर वो अपना आप जहां चाहे वैसे वो अपना उड़ सकता है, बाकी इसलिए वजह से उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वन रहती है, इसलिए वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये जो लिक्विड का जो ये है इसको मैंने ना कितना ज्यादा इंक्रीज कर रखा है, जिस वजह से ये वाटर है ये इतना ज्यादा ऐसे नजर आ रहा है हमें। जितना ज्यादा आप इसको इंक्रीज करेंगे ना उतना ज्यादा आपका जो वाटर का जो पार्टिकल्स, मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट जैसे सब डिवाइड करते हैं हम एक फेस को कि कितने छोटे टुकड़े होंगे उसके उतने, अभी देखिए ये मैंने इसको 48 रेजोल्यूशन सब डिवाइड कर रखा है, और यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने आपको वाटर दिखाया था वो कितने ज्यादा हिस्सों में टुकड़ों में था, और अभी जो मैं 48 पे दिखा रहा हूँ ये देखिए कितना एक ही छोटा सा जो पार्टिकल फटकेल निकला है वो देखिए कितना मोटा है कितना ज्यादा है, क्योंकि वो जो सब डिवाइड है ना वो इस चीज को रखता है, जैसे आप शिफ्ट ए करके एक प्लेन को सब डिवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से जो भी हो डिवाइड हो सके, ठीक है। और ये 48 पे बट ये भी चीज है कि मतलब कि जितना ज्यादा आप कम रखेंगे सब डिविजन को उतना अच्छे से आपका सीपीयू जो है वो वर्क करेगा, बट सीपीयू पे भी डिपेंड करता है कि आपको सीपीयू कौन सा है, ठीक है। और जो भी है आप इसको जितना ज्यादा अच्छा करेंगे उतने ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट पीसी का भी ध्यान रखना है कि वो आपका पीसी कितनी देर में रखते हैं क्योंकि वक्त भी आपको बचाना होता है पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कम ही रखिए, कम में जितना कम में आपका काम अच्छे से हो सके उतने में करिएगा, ठीक है। बाकी इसको 120 से ज्यादा ऊपर लेके मत जाइए क्योंकि मैं भी नहीं लेके जाता, और इसका बस 90, 100, 120 तक आपका अच्छे से निकल जाता है, बाकी आपको बस ऐसे ट्राई करना बनाने के लिए तो आप 40-50 पे ही रहना, ठीक है, बस करने के लिए। बाकी अगर आपको फिर इसे फाइनल निकालना है तो फिर आप इसको करके अच्छे से टाइम देके बेक कर सकते हैं। बेक कभी मैं बताऊंगा कि इसमें बेक क्या क्या सीन है और बेक करने से क्या होता है, बेक ना करने से क्या होता है। ये क्या लिया, ये एक मैंने क्यूब लिया है ऐसी फेस ऐसे ग्राउंड बनाने के लिए, ठीक है। लिक्विड डोमेन को लूंगा मैं यहाँ पे, और इसके जो ये जो मैंने बॉर्डर्स हैं वो तो मैंने आपको बताई दिए कि ऊपर के जितने भी सारे बंद करने से क्या होता है कि वहां पे फिर वो इफेक्ट नहीं करता जो लिक्विड डोमेन है। और बेक पे आ गए तो ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे नीचे कैच फाइल कैच का एक अलग से मिल जाएगा ऑप्शन, उसके नीचे जाएंगे ना तो आपको तीन चीज मिलेगा कि रिप्लाई ऑल और जो भी है तीसरा, ठीक है। तो इसमें जो कैच में यहाँ पे आऊंगा मैं और इसको मैंने ऑल कर दिया अभी, और इस यूवी स्फीयर को लूंगा। और अभी हाँ मैं तो एक और चीज बताने वाला था कि जो इसकी जो ये है इनिशियल विस्कोसिटी, इसको जैसे आप किसी भी एंगल पे आप इसको इंक्रीज करते हैं तो वो जो है वाटर उस एंगल पे ज्यादा तेज जाता है। अभी करके दिखाएंगे, कोई नहीं,
हाँ देखिए, ये इनिशियल विस्कोसिटी है, मैंने यूवी स्फेयर को सिलेक्ट किया और जो जो एक्स एक्सिस पे है मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और 4.2 पे कर दिया। तो ये देखिए, ये जो वाटर है ये पहले नीचे आ रहा था और अब जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ, आप नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जो रेड वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस है और जो ग्रीन वाली है जो वाई एक्सिस है। तो इससे आपको समझ में आई होगा कि एक्स की तरफ इंक्रीज किया तो जो वाटर था वो एक्स के बहाव पे बह रहा है, मतलब राइट साइड जा रहा है एक तरीके से हमारे लिए। तो हम क्योंकि हम फ्रंट ऑर्थोग्राफी पे, और हमने अभी इसको हम 0 कर देते हैं, और जो वाई की है उसको मैंने 18 कर दिया, काफी ज्यादा तेज कर दिया है। और अब ये देखिए कितनी ज्यादा प्रेशर से जा रहा है ये वाटर, वो भी वाई एक्सिस पे। अभी हम अगर हम लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन पे देखें तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम फ्रंट ऑर्थोग्राफी और मैंने इसको थर्ड ऑर्थोग्राफी पे कर रखा, साइड ऑर्थोग्राफी पे कर रखा है, तो इसलिए हमें ये दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि वाई एक्सिस पे जैसे मैंने इंक्रीज किया तो वो जा रहा, और अब देखिए मैंने इसको कम करके 6 पॉइंट कुछ पे कर दिया था तो अब ये स्लो जा रहा था, अब मैंने इसको ठीक माइनस में कर दिया है तो ये इसके अपोजिट साइड वाई एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। और अब इसको हम 0 कर देते हैं, अब जेड का भी दिखा देता हूँ। जेड को मैंने इंक्रीज कर दिया 29.2 पे, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करूंगा, मेरे को पहले डोमेन को भी जो है उसको स्केल करना पड़ेगा ताकि जो जो पानी है वो भी तो ऊपर जाए, और डोमेन उसके यूवी स्फीयर के एकदम टॉप पे ही है, तो जिसकी वजह से वो जो वाटर है वो एकदम उसी के ऊपर टकरा जा रहा है तो वो नजर नहीं आ रहा। इसको हमें लिक्विड डोमेन को भी हमें ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि जो यूवी स्फीयर को थोड़ा स्पेस मिल सके। देखिए जैसे मैंने इसको ऊपर किया और मैंने जैसे प्ले किया तो जो वाटर था वो एकदम टॉप की तरफ जा रहा है ये काफी ज्यादा कर गया। मैंने इसकी वैल्यूज को मैं कम करता हूँ थोड़ा, इसको 7.9 पे कर दिया मैंने। अब मैं इसको प्ले करता हूँ और अब देखिए ये किस तरीके से ऊपर जाता है और फिर उसके बाद नीचे आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से फुवारे टाइप का हमें नजर आ रहा है कि हाँ ये एक तरह से फाउंटेन चल रहा है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ सीन बनाते हैं और उसके अंदर फाउंटेन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना जो है लिक्विड का सिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मतलब कि इनिशियल विस्कोसिटी भी मैंने आपको बता दिया, यूवी स्फीयर में डोमेन का भी मैंने काफी बता दिया, बस स्केच फाइल का रह गया, वो जैसे जैसे वीडियो बढ़ती है मैं बताता हूँ कहते कहते, ठीक है। अब ये -2 में क्या है, तो मैंने जब जैसे वो नॉर्मल ग्रेविटी की वजह से गिर ही रहा था, अगर आप ग्रेविटी कम कर देते और इसका यूज इस्तेमाल करते फिर भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये आएगा नीचे की तरफ आएगा, और जितनी ज्यादा इंक्रीज करूंगा उतनी प्रेशर से वो फिर वो जो है नीचे आएगा, ठीक है। और जो वाटर है वो इस तरीके से नीचे गिरेगा, जितने ज्यादा इंक्रीज करता हूँ तो ऐसे वो वाटर जो है वो ज्यादा प्रेशर में आ रहा है तो गोल गोल से नजर आ रहे हैं। चलिए छोड़िए इसको तो रहने देते हैं, अब लिक्विड डोमेन में आके मैं एक लास्ट सेटिंग बता देता हूँ मैं कि उसको करने से क्या और क्यों कैसे क्या है, वो क्यों है जरूरी इसको करना, ठीक है। जी, देखिए मैंने सब डिवीजन 120 लिया है क्योंकि मैं इतना ही लेता हूँ, मेरा नॉर्मली है, ठीक है। तो डोमेन को लिया मैंने और कुछ अपने हिसाब से सेट कर लिया कि हाँ मुझे इतना ही रखना है, ठीक है। और बाकी जो है इसको तो इसको सब डिवीजन कर लेता हूँ 2 बार ताकि अच्छे से रहे, इफेक्टर इफेक्टर ही है, ठीक है। और लिक्विड डोमेन में आके जो रिप्लाई का जो है ना इसके, हाँ एक यहाँ पे ना फ्रेम स्टार्ट और एंड का है, इससे आप ना अपने अपने हिसाब से मतलब आपको जितनी देर तक का चाहिए ना उतनी देर तक रहिए। अभी देखिए 1 से लेके मैंने 10 किया एंड, ठीक है। तो जहाँ ये अब ना बेक हो रहा है ये ना प्ले हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर यहाँ पे आके इसका 10, यहाँ पे आके क्या है ये 10 10 के बाद ना फिर ये ना करना बंद हो जाएगा। ये देखिए अभी जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ 1 से 10, 0 पर आऊंगा तो भी मुझे राइट साइड की वाली स्क्रीन की तरफ नजर आएगा, और 11 पे आऊंगा तो भी मुझे राइट साइड की स्क्रीन की तरफ नजर आएगा, ठीक है। बाकी 1 से लेके 10 तक के अंदर ही अंदर रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डोमेन में आके जो उसकी कैच फाइल में जो टाइम है उसको 1 से लेके 10 ही तक सेट किया था, तो इसलिए उतना ही बेग हुआ। अब मैं यहाँ पे जितना सेट करूंगा ना उतना उतना वो बेग होगा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके रिप्लाई ऑल करके इसको मैं बेग कर देता, ठीक है। बेक होने में ही टाइम लगता है, लेकिन बेक होने के बाद इसके बाद अब मैं बता देता हूँ क्या सीन है वो। जब तक बेक हो रहा है इसको जैसे हम बेक कर लेते हैं ना, जैसे कुछ चीज होती है कि किसी चीज को हम जैसे एक मूर्ति है एक क्ले है उसको आप बना रहे हो, ठीक है, वो उस टाइम गीली फॉर्म में है, उसको आप क्या होता है जब तक वो गीली रहेगी तब तक वो पिघलती रहेगी इधर उधर रहती रहेगी, लेकिन जब वो जम जाएगी ना तो उसके बाद उसका शेप जैसा रहेगा ना वो वैसे ही रहेगा जब तक आप उसको तोड़ ना दे, ठीक है। तोड़ना मान लें यहाँ पे आके अनबेक कर दो, वो तोड़ना हो गया।
तो आप जैसे इसको बेक कर देते हैं पूरा, ये एक तरीके से मतलब सूख जाता है, मतलब जैसे मूर्ति सूख जाती है, उसके बाद वो फिर वो अपना पोजीशन ले लेता कि हाँ ये ऐसा बना है तो ये ऐसे ही बना रहेगा। तो ये वही चीज है, मतलब जो लिक्विड है ना वो बेक हो रहा है एक तरीके से, मतलब जैसा आपका बिहेव किया था ना आपका लिक्विड, वो उसी चीज को बस बेक हो रहा है। तो मान लीजिए जैसे मूर्ति गीली थी वो सूख गई, वो सूखने में टाइम जितना लगा वैसे यहाँ पे बेक होने में टाइम लग रहा है, तो वो जैसी 120 जितना इसका टाइम है उतने पे जाने के बाद बेक होने के बाद ना आप उसे फिर कुछ भी कर लो, उसे टेढ़ा मेढ़ा कर लो, ऊपर नीचे कर लो, कहीं पे भी कर लो, वो जैसे बिहेव किया था ना वैसे वो बिहेव रहेगा। फिर आप उसको डुप्लीकेट कर लो, उस मूर्ति कह रहा हूँ उस लिक्विड को आप डुप्लीकेट कर लो, आप उसको वो भी सेम डिट्टो वैसे ही बिहेव करेगा। आप उसका रोटेशन चेंज कर लो, स्केल चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपने, जैसे वो बेक करने से पहले बिहेव कर रहा था। ठीक है, बेक करने के बाद फिर क्या होता है, आप यहाँ पे आपकी जो केज फाइल है वो आपका अलग से फोल्डर करके आप वहां पे सिलेक्ट कर लिए, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे जाके सेव हो जाए। बाकी यही था। ठीक है, लिक्विड जो है वो बेक होने के बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फिर उसके बाद अपना जो भी जितना हैंग हो रहा था वो सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार वो जो है लिक्विड है वो मैश में कन्वर्ट हो चुका, वो बन चुका है। ठीक है, बाकी उसको वापस हटाने के लिए आप फिर उसको क्या कहते हैं बेक को आपको वहां पे जाके कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये 120 फ्रेम पे जब ये बेक हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको डुप्लीकेट करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में दोनों चीज आप देख लेना कि मतलब कि हाँ ये सेम हो रहा है, एकदम सेम जैसे पहला वाला लिक्विड हो रहा है वैसे, जैसे जो डुप्लीकेट हुआ वो सेम वैसे ही हो रहा है, क्योंकि बेक करने के बाद जो मामला होता है वो सेट हो जाता है। फिर उसके बाद वो बार बार मैं प्ले कर रहा था तो अलग अलग बिहेव कर रहे थे, बट बेक होने के बाद वो जैसे बिहेव करना, अभी आप एक बार देख लीजिए हाँ ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, अब मैं इसको दूसरी बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी कर लूंगा ना ये सेम टाइम उतनी बार ही वैसे ही बिहेव करेगा, पानी कहीं और बहेगा नहीं, जैसे एक बार बह गया बस बह गया। मैंने इसे शिफ्ट डी करके ना साइड पे कर लिया। अब देखिए, अब लिक्विड में क्या था वो पहले देखिए, बैक करो दोनों और दोनों को आपको जो बिहेवियर है ना वो एकदम सेम नजर आएगा। आप दोनों पे नजर रखिए और मैं जैसे इसको आगे बढ़ाता हूँ दोनों ना एक ही जैसे हैं। इसका एक बूंद वैसे वहां गिर रहा तो दूसरा भी उस मतलब जहां उसकी पोजिशन पर सेम डिट्टो वहीं पे गिर रहा है। ये देखिए रिवर्स करता हूं किस तरीके से वापस पीछे आ रहा है, एकदम सेम हो रहा है, क्योंकि वो एक बार बेक हो चुका है। वही चीज मैंने कहा थी, एक बार बनने के बाद फिर वो उसी तरीके से रहता है, इसलिए ये जो कैश फाइल में जो बेक का ऑप्शन है ये इसलिए दिया गया ताकि आप उसको अपने लिक्विड को बेक कर सके। बाकी क्योंकि बार बार फिर उसको हम वापिस करेंगे तो फिर वो अलग बिहेव करेगा, फिर वो अलग बिहेव करेगा, इसलिए एक बार बेक कर लिया और फिर उसके बाद पानी की वही मतलब कि बार बार चीज रहती है, हमने हल्का सा मूव किया वो क्या कहते हैं फिर रेजुलेशन फिर बढ़ाओ फिर दोबारा उसको करो, तो एक बार बेक करने के बाद मामला सेट। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर का जो होता है ना वो नॉर्मली खुद ही बेक कर लेता है उसका कलर। ठीक है, आप इसका कलर हटा दोगे तो आपको वो क्रीम कलर का नजर आएगा, जैसे फेयर लवली होती है कोई भी बॉडी लोशन होता है व्हाइट कलर का, वैसा वो नजर आएगा। ठीक है, मैंने इसका बस यहाँ पे कलर पे आके इसको बस कोई से भी कलर पिक कर लिया, एक का ब्लू कर लिया, एक का पिंक कर लिया, बाकी जो बिहेव कर रहे हैं ये दोनों तो सेम ही रह रहे हैं। बाकी यहाँ पे आके आपको लिक्विड में आके यहाँ पे एक जो डबल कॉपी का ऑप्शन है वहां पे उसको आपको क्लिक करना है और देन उसके बाद उसका आपको जो कलर है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों है, ये दोनों इसी तरीके से मतलब जो लिक्विड है वो बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से अपना जो लिक्विड है उसको हम इस्तेमाल करके अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें अच्छा कुछ बना सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ठीक है, तो आज की इस ट्यूटोरियल में इतना ही। बाकी जो भी है अगर आपको कुछ डिटेल में चाहिए होगा या फिर लिक्विड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, लिक्विड से क्या ब्लेंडर से रिलेटेड कोई कतार नहीं, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, ठीक है, बाकी जो भी है अगर आपको किसी और कोई भी टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ट्यूटोरियल बनाऊंगा फिर आपको बता सकता हूँ। और बाकी छोटी मोटी दिक्कत होगी तो इंस्टा करना, मैं इंस्टा पर तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।